자유라 다마다바 혼자비하리 자유라 다마다바 혼자비하리 자유라 다마다바 혼자비하리 자유라 Vedika Vidi, which is my dad
आम्ही मागतो तर One is वैदिक विधि which is our दैवी वर्णाश्रम एक वैदिक विधि है जो दैवी वर्णाश्रम सिस्टम है One is पंचरात्रिक विधि which is deity worship and everything which is connected to deity worship temple activities वैगे जो पंचरात्रिक विधि है जहां विग्रह की सेवा करते हैं छोटे मंदिरों में जो सेवाएं होती है वो सारे पद्धति है and bhagavat vidhi which includes shravanam kirtanam vishnu smaranam और एक भगवत विधि है जो हम जो श्रवणम कीर्तनम करते हैं and the most important is bhagavat vidhi which is direct devotional service to the lord और जो भागवत विधि है उसमें से मुख्य है क्योंकि वो भगवान के लिए ही अर्पित होता है the पंचरात्रिक विधि is deity worship and temple activities are also direct devotional service to the archa vigraha but they are also meant to regulate us and bring us to satpurva jo jo pancharatri vidhi hai wo bhagwan ki seva ke liye hota hai bhagwan ke hame bhakti mein aage badhne ke liye but usse jo sabse mukhya kaam hai humko satya gun mein lane ke liye and vaidik vidhi is daivi vartasham which means how we engage our occupation and family life and our other ashrams into krishna consciousness जो वैदिक विधि है वो है वर्णाश्रम सिस्टम है जो हम किसी भी आश्रम में रहकर कैसे उसको भक्ति में जीवन में लगा सके सो वी शुड परफॉर्म आवर ऑक्यूपेशन एंड फैमिली लाइफ इन अ वे दैट इज कंड्यूसिव फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस तो हम उसी तरीके से अपने आप को भगवान के सेवा में नियोजित करनी चाहिए जो हमारे जो प्राकृतिक गुण के हिसाब से वो फल प्रदाय हो सो वी शुड नो दैट द गोल इज ऑलवेज Remember Krishna, never forget. तो हमारा जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है कि भगवान को स्मरण करना कभी भी उनका विस्मरण नहीं होना पुराना जब तीजी का स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो ना याद चित सर्व विधि निषेधस्य एतयो एव किंकरः और इन ट्रांसलेशन that one should always remember Lord Vishnu or Krishna and never forget him. जो पुराण में कहा गया है कि हमें हमेशा भगवान की विष्णु और कृष्ण की स्मरण करनी चाहिए कभी भी उनका विस्मरण नहीं होनी चाहिए All rules and regulations of scripture, sabbe vidhi nishedha, are servants of these two, to always remember and never forget. तो जितने शास्त्रों में वेदों में जितने भी ये नियमावली है वो इसी चीज के लिए कैसे हम भगवान को ना भूले और हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सके So, they're servants, so means that they are supporting the remembering. तो ये जो है हमको वो सहायक बनते हैं भगवान के स्मरण करने के सो हाउ वी ऑलवेज रिमेंबर द लॉर्ड इज बाय चेंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र तो हम भगवान को कैसे हमेशा स्मरण कर सकते हैं वो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन के द्वारा एंड हाउ वी नेवर फॉरगेट कृष्णा इज फॉलोइंग फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम कैसे भगवान को कभी भी ना भूले वो कैसे चार नियमों के पालन करने के द्वारा बिकॉज If we don't follow four regulative principles, then we will do sinful activities and we will forget Krishna. अगर हम चार नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम पाप युक्त कार्य में नियोजित हो जाएंगे और भगवान को विस्मरण हो जाएगा. So never forget Krishna means that to see that everything is connected with Him. तो भगवान को ना भूलने के मतलब कैसा है कि कोई भी चीज है जो हम करते हैं एक्टिविटी वो कैसे भगवान से जुड़ी हुई है कैसे भगवान से And to always remember him means that to see that he is a person is still separate from everything. Separate from everything. तो भगवान को हम देख सकते हैं कि वो कैसे हर किसी भी जो भी हम कार्य करते हैं उससे अलग है. So the scriptures are saying, "Shakti, shakti matayara veda." The energetic and energy are not different. तो शास्त्रों में कहा गया मतलब जो एनर्जी शक्ति शक्तिमान दोनों अलग नहीं है सो थ्रू शक्ति वी नो दैट देयर बिहाइंड इज शक्तिमान शक्तिमान एंड वी नो दैट इन द शक्ति बाय सीइंग द शक्ति वी कैन रिमेंबर द लॉर्ड तो हम जिसे शक्ति को देख के भगवान का स्मरण कर सकते हैं Just like a parents, if they see the shoes of a small child, they will remember, oh, this is my child. तो जैसे किसी भी माता पिता अपने बच्चे की चप्पल के जूते को देख के उसके बच्चे की स्मरण कर सकते कि मेरा बच्चा इधर ही है तो यही सही है
So in the same way, because the Lord Krishna have entered this world, we should always remember him and never forget. तो इसी रूप से भगवान इसे जो दुनिया के अंदर प्रवेश किए हैं, इसी रूप से हमें भगवान का हमेशा स्मरण करनी चाहिए, कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए. So all our rituals, all our daily activities should be conducted in such a way. तो हम जो भी वैदि जो भी विधि को पालन करते हैं वो इसी के लिए होना चाहिए, भगवान की स्मरण करने के लिए. And Rupa Goswami explained in his teachings of Upadeshamrita that we should not follow rules and regulations just for the sake of following, but we should also not discard the following of rules and regulations. तो श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में इसके बारे में वर्णना करते हैं कि हमें सिर्फ विधियों को इसीलिए पालन नहीं करना चाहिए कि विधि के पालन के लिए, और हमें विधि को भी अपने मन से उसको बंद भी नहीं करनी चाहिए. Some people are following rules and regulations and they think just by following them will be liberated. तो कुछ लोग इसीलिए विधि को पालन करते हैं कि नहीं, ये विधि को पालन करते ही मेरे को मुक्ति मिल जाएगा. And they're called smartas. तो उनको स्मार्ता कहते हैं. And there is those who are discarding to follow rules and regulations and they take everything easy, they're called sahajiyas. और जो लोग नियमों को अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने मन से जैसे भी कुछ विधियों को मानते हैं, उनको सहजिया कहते हैं. So but the real following the Vedic culture means to follow rules and regulations, but to know also the purpose behind it is to please Krishna. तो हम जो भी विधि को पालन करते हैं उसके पीछे क्या होता है, भगवान की संतुष्टि के. So the external culture and internal emotions sentiments should match. तो जो external culture, जो बाजी की दृष्टि जो external culture है, जो हमारे रीति है और अंदर का जो इमोशन है, जो भाव है, वो दोनों की समन्वय ही होना चाहिए. Yes, and the more than the Hinduism, people are following externally, but they cannot explain. तो बात देखा जाए तो हिंदू धर्म में लोग बाह्य रूप से उसको पालन करते हैं, पर अंदर से उनको पता नहीं होता. And in ISKCON we have a philosophy, but still we need to develop fully our culture. तो अगर हम ISKCON के अंदर जो ये philosophy है, उसके जरिए हम अपना जो culture है, जो विधि रीति है, उसको पालन कर सकते हैं. In India there is so many different sects who are following different gods, worshiping different gods. जैसे भारतवर्ष में देखा जाता है काफी सारे अलग अलग वर्ग के लोग हैं जो अलग अलग भगवान अलग अलग विधि को पालन करते हैं. वैष्णव शाक्तस शैवस गणपति शौर्यस, जैसे कि जो वैष्णव हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, जो गणपति के भक्त हैं. Then we have different philosophers, the Vedantis, Mimamsakas, Nyayikas, Vaisheshikas, Yogis, Sankhyas. तो जैसे कि जो Vaisheshikas and Mimamsakas, Yogis, Nyayikas. So all of them have different philosophy but one culture. तो उनका जो है अलग अलग जो सिद्धांत है अलग है, पर उनका जो उद्देश्य है एक ही है. If you go to any of this tradition, you will see that people in more or less same are taking food, dressing themselves, and having the relationship in a same values. तो इन सारे है जो अलग अलग जो लोगों में इनमें इनका खान पान रहन सहन इनकी जो सिद्धांत तो सब कुछ एक ही जैसा दिखता है. And ISKCON we have one philosophy but different cultures. ISKCON में क्या है, हम जो सिद्धांत है एक ही है, पर जो कल्चर है, जो रीति है, वो अलग अलग है. But we have also our own culture, so actually the whole society should come to the same level of the culture. तो हमारा एक ही कल्चर है, जो पूरा जो समाज है, पूरा जो ISKCON सोसाइटी है, वो ताकि एक ही रीति जो कल्चर उसके अंदर आ सके. And that culture actually is to please Krishna. और जो कल्चर है, जो रीति है, वो विधि है, वो सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है. Because Krishna is behaving in certain way, and if we behave in the same way, he will be pleased. तो कृष्ण जो है एक साधा मतलब एक
अलग एक तरीके से अपना व्यवहार करते हैं, और अगर हम भी अगर उसी व्यवहार को फॉलो करें भगवान के साथ, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। So if we want to associate with some person, we need to know how to associate with that person. What is his culture? हम अगर किसी व्यक्ति का संग करना चाहते हैं तो अवश्य जो उसका जो रहने का रंग ढंग है वो भी हमको पालन करना पड़ेगा, ताकि वो हमसे प्रसन्न होकर। So all our rituals should have purpose. तो हम जो भी विधि पालन करते हैं उसके पीछे कोई बहुत ही दृढ़ सिद्धांत है, गुह्यतम सिद्धांत है। In on the other hand, our emotions and our bhava should be expressed through the culture. और जो हमारा जो भाव है, वो भी जो हमारा रीति है, जो विधि है, उसके साथ समन्वय होना, उसके साथ मिलजुल होना चाहिए। So we should follow Krishna consciousness directly and indirectly. तो हम कृष्ण भावनामृत का जो पालन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से कर सकते हैं। And the focus is on the directly, which is the primary. जो डायरेक्टली जो है वो है प्राथमिक है। So the external culture is secondary, but devotion is primary. जो जो बाह्य दृष्टिकोण से वो सेकेंडरी है, बट डिवोशनल जो भक्ति है वो प्राथमिकता है। So we should not be confused by secondary. That secondary is more important, just to follow some rules and regulations. We should not be confused that secondary is more important. तो कभी हमको ऐसा confusion है कि secondary जो है वो प्राथमिकता है। And the since the yoga dharma is chanting of the holy name, that is the most primary. जो सबसे प्राथमिकता है, जो युग धर्म है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप। And the foundation of Hari Nama Sankirtan is actually japa. जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो इसका मूल है वो है जप। The yoga dharma is actually sankirtan, which means congregational chanting, but in order to be on the standard of that, we need to chant Hari Krishna. तो जो संकीर्तन का मतलब क्या होगा, एक एकत्रित होके कैसे जप करें, वही उसका मूल है। And the the chanting of the holy name, it is niyamita smarane na kalaha. There is no prescribed times when we need to chant. तो जप के लिए ऐसा कोई नियमित समय काल नहीं है। But we should not be how to say proud that we can chant whenever we want. The time to chant is prescribed. बट इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, अपने मन से सोचो मैं कभी भी मन करा मैं जब कर लूं, बट इधर शास्त्र में कुछ समय दिया गया जिस समय में हमको जब करनी चाहिए। You can chant at any time, but the best time to chant is early morning brahma muhurta. हम किसी भी समय में भगवान का नाम ले सकते हैं, बट जो अनुमोदित शास्त्र में अच्छा समय है सुबह का मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। And if you chant it 10 times of the day before you go to the work, then whole day you will be able to remember Krishna and chant even more. जैसे आप सुबह काम में जाने से पहले जब कर लेते हैं, तो आप पूरे दिन भर भगवान के स्मरण करने के लिए आपको बहुत अच्छा एक वातावरण बन जाता है। Sometimes we think, oh, there is no strict rules and regulations, so I don't need to follow. No, it is like that. But if we want to get the full benefit, then we will chant in the proper time. जैसे हम कभी सोच सकते नहीं, ऐसा तो जप करने के लिए कोई विधि नहीं है, मैं कभी भी करता हूँ, पर आपको जो उसका जो पूर्ण रूप से जो हरि नाम का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। Be in pure or impure state of consciousness, or come through the different circumstances in life. तो जिसे पुराणों में कहा गया जो आचमन मंत्र हम कहते हैं, तो उसमें क्या है कि हम चाहे हम बाह्य दृष्टि से हम अपवित्र हो सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, but the full translation. I gave yeah, तो पुराण में कहा गया था। If he remembers the lotus-eyed Lord, he will be externally and internally pure. तो हम अगर भगवान की स्मरण कर लेते हैं, तो हम बाह्य और आंतरिक रूप से हम पवित्र बन जाते हैं। So we can come from any condition, but if you start to chant,
and remember the Lord, it will purify your consciousness. तो हम किसी भी स्थिति में आए, किसी भी स्थिति में हो, अगर हम भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, तो हमारे अंदर जो जो चेतना है, वो शुद्ध हो जाता है. So we may do some hard work and then sweat and like that, but still, if you chant, your consciousness will become pure. And if your consciousness is pure, atma, which is called atma shuddhi, is considered that your body is also purified. तो जैसे हम चाहे काम करते हैं, हमको पसीना आता है, तो हमको हम सोचते नहीं. तो उस टाइम हम जब करते हैं, तो हमारा जो चेतना, वो भी शुद्ध हो जाता है. उसकी वजह से हमारा अंतकरण जो आत्मा है, वो भी शुद्ध हो जाता है. On another hand, if you just follow external rules and regulations and you are fully pure on brahminical level and you don't remember the lotus eyed Lord, you're not considered pure. तो जैसे हम पूरे ब्राह्मण की जो है कि ब्राह्मणिकल जो कल्चर है उसको पूरा पालन करते हैं, आचमन करके पूरा पवित्र होते हैं बाजिक दृष्टिकोण से. बट अगर हम अल्टीमेट गोल जो है भगवान को स्मरण ना कर सके, तो किसी काम का नहीं. So that is injunctions also for brahmanas, smarta brahmanas. You may be externally clean, but you must become also internally pure. तो ये जो होता है, जो स्मार्ता ब्राह्मण है, वो पालन करते हैं, वो क्या बाजिक बाही दृष्टिकोण से बहुत शुद्ध होते, पवित्र होते, बट अंतकरण में वो कभी भगवान की स्मरण नहीं कर पाते. So that is the power of the holy name. To always, through holy name we can be purified and always remember the Lord. तो ये हरि नाम की शक्ति है, और हरि नाम पूरे समग्र सृष्टि को पावन कर सकता, पवित्र कर सकता. And that is actually real smartism. Real smartism. वो असली जो स्मार्ति जी हमें जो स्माता है, इसी को कहते हैं. Smartas are known those who are strictly following rules regulations, but the real essence of these rules regulations is always remember Krishna. So we are very much strict with this. Always remember, never forget. तो असली स्मार्ता क्या है कि हमेशा हम कृष्ण को वो काफी जो नियमावली को काफी वो फॉलो करते हैं, बट असली स्मार्ता क्या है कि अगर हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं, कभी कृष्ण का विस्मरण ना हो हम. And that can be achieved only through chanting of the holy name. और सिर्फ हम कृष्ण के नाम के माध्यम से ही, हरि नाम के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है. The power of holy name, it is described in many scriptures like Kalisantarana Upanishad. तो ये हरि नाम के जो महत्व है, कली संतन उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है. In the Upanishad, the conversation of Lord Brahma and Narad Muni, it is called the glory of holy name. तो इस कली संतन उपनिषद में ब्रह्मा जी और नारद जी का दोनों के संवाद के बीच में इसका वर्णन किया गया है. Well, Narad Muni is asking, how can I go in a pure way through the Kali Yuga? तो नारद मुनि प्रश्न करते हैं कि कैसे मैं शुद्ध रूप से, पवित्र रूप से कलयुग में अपरमत रह सकता हूं या आचरण कर सकता हूं. एंड लॉर्ड ब्रह्मा हिज फादर इज आंसरिंग आदि पुरुषस्य नारायणस्य भगवत नामोच्चारणम यू शुड चेंट द नेम्स ऑफ ओरिजिनल पर्सन नारायण. तो ब्रह्मा जी उनके पिता होने के नाते कहते हैं कि तुम जो आदि पुरुष है नारायण, उनके नाम का जप करो और स्मरण करो. एंड देन ही इज टेलिंग हिम हरे कृष्ण महामंत्र. तो ये कली संतन उपनिषद में इस मंत्र का व्याख्या किया गया है. Is continuing describing the glory and he is saying iti shodashakam namnam kali kalmasha nashanam natta parataropaya sarva vedishu drishyate. Or in translation, that these 16 names are meant to counteract the evil effect of the age of Kali. To iska jo anuvad aisa hai ki ye jo 16 akshar ka jo naam hai, jo kali ka jo kya naam hai, जो उसका प्रभाव है, ये इस नाम के प्रभाव से ही इसको काटा जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं. And upaya, the method is the best method. After researching all Vedas, we'll find that this is the best method for self-realization. सारे वेदों में जो उसका पूरा देखने के बाद निचोड़ जो है कि जो सेल्फ आत्मा
जो आत्म तत्व पाने का जो रास्ता है वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र ही, सेल्फ रियलाइजेशन का एक ही रास्ता है। सो दोस हु आर पंडित्स दे नो एक्चुअली दैट द नाम और द होली नेम इज एक्चुअली द रियल थिंग व्हिच प्यूरीफाइज द कॉन्शियसनेस। तो जो पंडित है, असली पंडित है, उसको यही पता है कि हरि नाम जो है यही हमारे चेतना को शुद्ध करने के लिए असली चीज है। And furthermore, Lord Brahma is saying that chanting of these holy names is purifying us from identifying with the layers of conditioned existence. तो पुराणों में ये बताया कि कैसे जो हरिनाम की प्रोसेस है, जो विधि है, हमारा जो ये कंडीशन जो हमारी एक लेयर्स है उसको कैसे खंडन कर सकता है। And what are these layers? तो ये क्या क्या जो लेयर है, जो क्या क्या स्तर है? It is pancha mahabhuta, five gross elements. ये pancha mahabhuta जो पांच तत्व है, ether, air, fire, water and earth. भूमि, रूप, अनल, वायु. Then tanmatra, the different senses, sound, touch, four, the taste and smell. जो हमारे जो पंचेंद्रिय हैं, जो कर्णेंद्रिय है, चक्षु है, हमारा जो टचिंग सेंसेशन है, एंड द स्मेल, जो स्मेल करने की जो घ्राण शक्ति है, और टेस्ट, जो खाने की जो हमारे जीवा की शक्ति है। सो एज फर्दर मोर द माइंड इंटेलिजेंस एंड पावर जीरो। तो इसके ऊपर जो तीन जो सूक्ष्म है और मन बुद्धि अहंकार है, बिकॉज़ वी कैन सी दैट वी आर आइडेंटिफाइंग विद देम व्हेन वी आर यूजिंग देम, वी आर आइडेंटिफाइंग विद देम। तो हम उनको प्रयोग करके हम उनको ही अपना वास्तविक रूप समझ रहे हैं। सो होली नेम विल प्यूरीफाई आवर कॉन्शियसनेस एंड वी वोंट आइडेंटिफाई एनी मोर विद रोज पादी। तो जो है महामंत्र है हमें इस चीजों से बाहर लाके पवित्र करेगा, ताकि हम ये जो मिथ्या मन में है कि हम इसके रूप से अपने आप को देख रहे हैं, हमारा आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं, उसको हम उससे बाहर आ सकते हैं। एंड देन इट इज सेड दैट द पर्सन will have a darshan of the Lord in the same way, just like a clouds are removed, the sun is coming and everything is sunshine. तो एक व्यक्ति, एक जीव ऐसे ही भगवान का स्वरूप का दर्शन कर सकता है, जैसे कि बादल घने बादल छाए हुए हैं आकाश में, जैसे बादल हटते ही सूर्य का दर्शन होता है, ऐसे ही एक जीव इस मंत्र के जाप से भगवान का स्वरूप का दर्शन कर सकता है। So material existence is just like a cloud. तो ये जो भौतिक हमारी स्थिति है, ये एक घने बादल की तरह है। But the sun have a power actually to evaporate the water from the clouds and to remove the clouds. But सूर्य के पास ये शक्ति होता है, ये बादल को, जो पानी को हटा के, जो उसका सूर्य किरण है, उसको प्रकाश करने का। In the same way, the holy name will remove the cloud of material existence and then will तो ऐसे ही जो महामंत्र है, उसके पास इतनी शक्ति है, जो हमारी ये भौतिक स्थिति है, उसको हटा के जो कृष्ण की असली दर्शन है, वो करा सकता है। The holy name, Lord Brahma further explains that can purify a person even who have killed the Brahmana. तो ब्रह्मा जी वर्णना करते हैं कि अगर ऐसे लोगों को भी हरे कृष्ण महामंत्र तार सकता है जो किसी ब्राह्मण का हत्या किया हो। ब्रह्म हत्या करते हैं। Killing of a Brahman. जो ब्रह्मा हत्या किसी ब्राह्मण का हत्या की हत्यारा हो। The sin of neglecting religious activities can also be nullified. अगर कोई वैदिक नीतियों को विधियों को नहीं मानता है, उसका भी जो पाप है, इससे खंडन हो सकता है। So the one who is chanting the holy name with dedication and who has fully surrendered the holy name is free from other religious duties. अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का पूर्ण रूप से शरणागत होता है, तो उसके लिए कोई भी वैदिक भक्ति जो विधि है उसके लिए लागू नहीं होता। But because we cannot, at least we are not on that level now, that we cannot always chant the holy name, therefore we are performing other religious duties also. क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि हम जो भगवान का हम जो 24 घंटा स्मरण कर सके, इसीलिए हमारे लिए कुछ विधियों को पालन करना भी अनिवार्य है। Therefore we follow also temple worship and daily varnashram. इसीलिए हम जो विग्रहों की सेवा, जो मंदिरों में से भगवान का अर्चन, विग्रह की सेवा और वर्णाश्रम सिस्टम का पालन करते हैं। We should not think if the holy name can purify me from all sins, or I can do any other sin
तो हम ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं कुछ पाप कर लूंगा हरे कृष्ण मंत्र से उसका खंडन हो जाएगा then we'll do the strength of us, which means to commit sinful activities on the strength of the chanting of the holy name. तो फिर हम सातवां जो नाम अपराध वो करेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर हम पाप को पाप कार्य को करना so we should try to avoid offenses in the chanting of the holy name. तो इसीलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करते के लिए इस सारे अपराधों से बच के रहना चाहिए so the holy name can destroy these effects of kali yoga and sins but we should chant in a proper mood तो हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का जो ये प्रभाव है और जितना पाप हम जो आचरण किए हैं उसका सबको खंडन करने का शक्ति रखता है बट उसके लिए हमको शुद्ध रूप से नाम का जाप करना चाहिए So we just want to ask how much more time you have. Yeah, we can go up to one. About this time now? Now it's 12:11. Up to one? Yeah. Wow. you can, we can hear from here one. Don't just bound. We can hear from here. Prabhuji Pooja, how long can we do this work? We can go to one hour. We can listen to the Mukhara Bin. How long can we do this work? Since we have time here. Say something. You can also share something about the Mayapur Gurukul, how their day-to-day life. Because Prabhuji जो Mayapur जो अंदर जो जंगल में गुरुकुल है उसमें Prabhuji उधर के बच्चों को शिक्षा देते हैं. तो हम थोड़ा सा उधर के बच्चों का कैसे lifestyle है क्या शिक्षा लेते हैं हम सुनना चाहते हैं. Also you can little bit describe about how the Gurukul the discipline and all this. I'll continue with this. Yeah, this one last 15 minutes, 15 minutes, can speak about the Guru Pada. So we said the importance of Bhagavad Vidhi and the chanting of the holy name. So we have seen how the Bhagavad Vidhi and Hare Krishna Mahamantra Jap ka liye jo fayde. So those who are Paramahamsas, they can follow only the Bhagavad Vidhi, means that they can always chant the holy name, hear the holy name, hear the katha, and remember the Lord. But जो लोग परमहंस के स्तर पे हैं, वो हमेशा भगवत विधि का पालन कर सकते हैं, हमेशा भगवान का नाम जप करना, भगवान का नाम का कीर्तन करना, और भगवान का हरि कथा सुनना. They don't need any other spiritual injunction. But उनके लिए बाकी जो शास्त्रों में वर्णित जो विधियाँ हैं, उनके लिए लागू नहीं होते. They are spontaneously serving the Lord. तो हमेशा पूर्ण रूप से वो भगवान के सेवा में नियोजित रहते हैं. But for those who are conditioned by sattva guna, they need regulated devotional service. तो जो लोग जो सत्व गुणों के अधीन हैं, वो कम से कम जो विधि, जो शास्त्रों के विधान हैं, उसका इंजेक्शन उसको पालन करना चाहिए. And regulated devotional service is पंचरात्र का विधि. और जो regulated जो वैधि भक्ति है, वो है पंचरात्र का विधि. And पंचरात्र का विधि is predominantly daily worship. जो इसका जो मुख्य भाग है वो है भगवान के अर्चे विग्रह का सेवा करना. So those who are brahminical nature can do deity worship in a regular basis. जिनके अंदर ब्राह्मणी का जो ब्राह्मण के गुण हैं वो भगवान के विग्रह सेवा में वो आगे बढ़ सकते हैं. They don't need any other engagements in other occupations. तो उनको और कोई विधि को पालन करने की जरूरत नहीं है, उसी में अपने आप को नियोजित कर सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के. But those who are not on brahminical platform, they can and they need to be engaged in their occupations. तो जो लोग ब्राह्मण के गुणवत्ता में नहीं है, गुण उनके अंदर नहीं है, तो उनको बाकी जो भक्ति भक्ति के जो बाकी अंग हैं, उनमें आपको अपने आप को नियोजित करनी चाहिए. So brahmana is in sattva guna, kshatriya is in rajoguna, vaishya is in rajoguna and tamoguna, and shudra is in tamoguna. जो वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम है, जो ब्राह्मण है और सत्व गुण में रहता है और जो क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय रजोगुण में रहता है और जो क्षत्रिय वैश्य है वो रजोगुण और तमोगुण में रहता है और जो वैश्य है वो पूर्ण रूप से तमोगुण में रहता है. So everyone have a duty to be engaged according to his acquired guna and karma. तो हर किसी को वर्णाश्रम सिस्टम में उसका जो कुछ कर्म है कुछ गुण के हिसाब से वो उसका पालन करना चाहिए. Lord Krishna have described in Gita that he have created the social system based on qualities of work. तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं इस समाज में ऐसे चीजें बनाया है कि जो आपके कर्म के हिसाब से आपका गुण का निर्वाचन हो सके. He
नहीं चतुर्वाद्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः इन ट्रांसलेशन आई हैव क्रिएटेड फोर ऑक्यूपेशंस बेस्ड ऑन गुण कर्म क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज. तो भगवान गीता में कहते कि मैं चार वर्ण और चार आश्रम का गठन किया है गुण और कर्म के हिसाब से. सो एवरीवेयर in the world there is only one system and social system and that is varnashram. पूरे विश्व भर में एक ही सिस्टम है वो है वर्णाश्रम सिस्टम. But the problem is modern age the people who are not qualified for some occupation they are taking post for that occupation. But ये इसका विडंबना है कि जो जिस पोस्ट के लिए नहीं बना है वो पूरे विश्व भर में वो उसी स्थिति कार्य को कर रहा है. So means that we should accept the occupation for which we are qualified. तो हमको वही कर्म करना चाहिए जिसके लिए हम योग्य हैं. In every society you will find intellectuals, administrators, merchants and the laborers. तो हम किसी भी जगह पे ये बात है कोई मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर को जो कुछ लोग जो वहाँ के मैनेजमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हैं कुछ लोग बाकी काम करते हैं कुछ लेबर्स हैं तो ऐसे पूरा जो अलग अलग सिस्टम है. The problem is that it is not made scientifically in sense that there's someone who didn't went through the training is accepting that post. But this is वैज्ञानिक रूप से नहीं but जो आदमी वो कर्म को कर रहा है वो सर किसी ट्रेनिंग या किसी भी तरह सा उसको जो शिक्षा है नहीं प्रदान किया गया है. So we should find what is our nature, conditioned nature and engage in Krishna service. तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि मेरा जो अंदरूनी जो क्या नेचर है मेरा कैसा भाव मतलब तो मेरे आचरण है उसके हिसाब से मेरे को सेवा का मेरे को करना चाहिए. Can we see in Bhagavad Gita that Krishna is inspiring Arjuna to do his duty? तो कैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं जो तुम्हारा जो जो कर्म है उसको तुम करो. He is telling him considering your duty of kshatriya you should fight but fight for me. तो भगवान कहते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो तुम्हारा कार्य है युद्ध करना पर युद्ध किसके लिए करो मेरे लिए करो. Furthermore, he is telling him better to perform your duty imperfectly than others' duty perfectly. तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो आश्रम के हिसाब से गुण के हिसाब से जो तुम्हारा कार्य है उसको अच्छे से करो उसके बाद बाकी सारी चीजें अपना हो जाएगा खुद करोगे. Because if you are not qualified for some service and we try to do it it will create a mess. तो मान लो हम किसी कार्य के लिए हम योग्य नहीं है और हम उस कार्य को करेंगे उसमें क्या होगा हम उसके अंदर पूरा मेस खिचड़ी बना देंगे उसको मेस कर देंगे खिचड़ी बना देंगे गलत कर देंगे उस काम को. खिचड़ी मींस मेस. या इस मेस व्हेन खिचड़ी वी पुट ऑल स्टफ ऑफ वेजिटेबल्स सो इट विल मेक मेस ऑफ. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ खिचड़ी इज मेस. Yeah, is it? It isn't. I just gave example. A better give literal meaning. तो literal meaning मतलब मैं समझता हूँ उस कार्य को सही तरीके से हम नहीं करते उसको सब कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं कैमरा का काम है जैसे उदाहरण सरो अब किसी को दे दो कैमरा पता ना आधा फोटो उठाएगा किसे गला काट दिया किसे कुछ काट दिया कार्य को अच्छे तरीके से नियोजित नहीं कर पा रहे. So therefore it's better to perform your own practice. You should become realized on conditional level also. तो हमको इसीलिए वास्तव हमारे वास्तविक गुण है उसको जानना बहुत जरूरी है. Then we'll become satisfied in Krishna consciousness. Is satisfied in. Then हम कृष्ण भक्ति में जो हमारा जो अंदरूनी जो जो आत्म सुख है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं. Sometimes we think that we have attachments for something and if we engage these attachments it will create fall down. But actually if you don't engage these attachments in Krishna consciousness especially grihasthas it will create fall down. तो जैसे कभी हम सोचते नहीं कि मैं अगर किसी चीज के प्रति आसक्त हूँ शायद मेरा पतन का ही कारण बनेगा बट अगर उस आसक्ति को हम कृष्ण के सेवा में नियोजित करें और स्पेसिफिकली गृहस्थों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका जिस चीज के प्रति आसक्ति है उस आसक्ति को कृष्ण के प्रति कृष्ण के सेवा में नियोजित करें. Because if you don't purify something in Krishna consciousness, you will anyway do it, but then you will do it for your ego, and then you'll be lost. तो जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हैं, but आप उसको छोड़ नहीं सकते, आसक्ति को छोड़ नहीं सकते, but वो आप किसके लिए करेंगे? आपके मित्र अहंकार के लिए, जो आपका पतन का कारण बनेगा. The idea of Arjuna was
to renounce everything, to renounce the world and go to forest and meditate. तो अर्जुन का जो ये आइडिया था कि नहीं सब कुछ मैं छोड़ के जंगल में जाके मैं वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के वहीं रहूँगा। But Krishna told him, but if you go to the forest, still you will find the reason to fight, and you will never fight. तो उन्होंने कहा तुम जंगल में जाके तभी तुमको कुछ कारण मिल जाएगा युद्ध करने तभी तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा तुम। So you cannot do others' duty. इसीलिए तुम और किसी का कार्य तुम नहीं कर सकते। But with time, when we become realized, then we can renounce. पर जब हम उसको सच में समझ से जाएंगे कि ना मैं क्यों इसको त्यागना चाहता हूँ, तो त्याग करने के पीछे जो उद्देश्य उसको समझेंगे, तभी हम उसको हृदय से उसको त्याग सकते हैं। So we should renounce because of realization, not because of frustration in life. ऐसा नहीं कि हम किसी चीज का त्याग करें नहीं मेरे को अच्छा नहीं मैं बहुत परेशान हो गया मेरे दिन तो परेशान हो के नहीं उसको आत्मज्ञान लाभ करके उसको त्यागना ही अच्छा है उसके बदले नहीं फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं दुखी हो गया परेशान हो गया छोड़ना। Many people have renounced prematurely and because they didn't develop spiritual level of consciousness, they have fallen out of the position of renunciation. तो काफी लोग जो है काफी भावुक होके या बिना जाने हुए चीजों को त्याग देते हैं पर उसकी वजह से उनका पतन का कारण बनता है। So when we do our work, we should do the work as a duty, but that duty must be because it is prescribed by Krishna. हम कोई भी कार्य करें वो अपने हम जिम्मेदारी अपने ड्यूटी समझ के करें, but वो ड्यूटी इसीलिए कर रहे हैं कि वो कृष्ण के द्वारा बताया गया और कृष्ण को संतुष्ट करता है। So Krishna have created your occupation, not the society, not the president, not the Krishna is saying in Gita, based on the gunas, there is occupation. तो कृष्ण ने कोई हमारा कर्म नहीं बनाया है ये सोसाइटी प्रेसिडेंट नहीं बना हमारे कर्म के हिसाब से हमारा जो हमारे गुण के हिसाब से हमारा कर्म बनाया गया। So if you do your duty with good qualities for his pleasure, then we will be liberated and Krishna will be pleased. तो अगर हम हमारे गुण के हिसाब से भगवान के संतुष्टि के लिए कोई भी कार्य करें तो हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं भगवत धाम जा सकते हैं। So in such consciousness we can have peaceful mind to deity worship and chant. तो इसी भाव से हम अच्छे से भगवान का अर्चन भी करके सेवा भी कर सकते हैं अच्छे से जप भी कर सकते हैं। And the Pancharatri Kaviti is very useful because it's giving us culture in Krishna consciousness. तो ये पंचरात्रि विधि जो है हमें कृष्ण भक्ति में एक कल्चर देता है एक नियमावली देता है विधि देता है। So पंचरात्रि कविधि है फाइव लिम्स पंचांग सेवा। तो पंचरात्रि विधि में जो पांच विधि है वो है पंचांग सेवा। So first one is अभिगामना means preparation. First जो पहला है वो है अभिगामना तो preparation है। So what is included in अभिगामना is waking up early morning, offering obeisances to the deity and the guru. तो अभिगामना का मतलब यह है कि सुबह पहले उठना और पहले जो विग्रह है वो गुरु को प्रणाम करना। मूल मंत्र त्याग means the going to the washroom. मूल मंत्र त्याग जो है अपने जो नित्य कर्म है जैसे स्नान करना इत्यादि जो कर्म है उसको करना दंत धावना स्नान तो दांतुन करना नहाना ये जो है मूल मंत्र त्याग। So these are ordinary activities, but because you cannot do deity worship without doing this, they are considered the limbs of Pancharatri. क्योंकि आप भगवान अर्चन भीगर की सेवा ये सब किए बिना आप नहीं कर सकते, इसीलिए इसका पांच मुख्य अंग बताया गया। Then तिलक धारण, पुतिक तिलक, वस्त्र परिधान, पुतिक वैष्णव स्वभाव। Then तिलक करना उसका वस्त्र परिधान कि वैष्णव जो कपड़े हैं उसका धारण करना। So first we clean our body, then we put the dress with which we identify as the bodies of the Lord. तो हम तिलक नहा के फिर ऐसे कपड़े डालते हैं जिससे हम अपने आप को समझ देख पाते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं भगवान के ही जो बताए हुए चीजों को पहनते हैं। And then we are ready to go to the temple. तो इसके बाद हम मंदिर में जाने के लिए उपयुक्त बनते हैं क्योंकि बनते हैं। The next level is upadana. Means that gathering the articles for the worship.
उसके बाद जो उपदान है जो आरती के लिए जो भी चीजें जरूरत है उसको एकत्रित करना means bringing the flowers to the temple, bringing the bhoga, the food to the temple, water to, for the deities, for the abhishek. तो उसके बाद भगवान के पूजा के लिए फूल लाना, भगवान के भोग के लिए भोग लेके आना, जल लेके आना भगवान का अभिषेक के लिए. Sweeping the floor, wiping the floor. तो उसके जो नीचे का जो फ्लोर है उसको झाड़ू मारना, उसको पोछा लगाना. Decorating the temple. तो मंदिर को सजाना. So in that way we can be assistants to pujaris. तो इसी तरह हम जो पूजा मुख्य पुजारी को उसका सहायक बन सकते हैं. And those who are qualified after that, then they can do yoga, which means to mentally meditate on the deity worship. What after? Those who are qualified. Yes. जो लोग ये मतलब योग्य हैं, तो बाद में उसी जो इस विधि को अपने मन में चिंतन कर सके, योग कर ध्यान कर सकते हैं. So everyone can do the first two, but those who for doing the first two and among them someone becomes qualified then he can do a direct deity worship. तो इसमें से जो पहला दो है अगर कोई जो कोई योगी है इसको बनता है इसको पालन करता है तो फिर तीसरी पद्धति भगवान के अर्जुन विग्रह की सेवा के लिए योग्य बनता है. And after someone is doing yoga or the mental worship he is doing the ijya or the offering the articles to the deity. Ijya. 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 तो कोई पहले मन में है भगवान को ये सब देने के बाद योग योग्य बनता है डायरेक्ट आरती करने का भगवान का जो फिजिकली आफ्टर द मेंटल ही कैन गो फॉर द फिजिकल लेवल. सो इन द फर्स्ट स्टेज दिस इज टू प्रोसेस देन ही कैन मेंटली प्रिपेयर फॉर द आरती. यस देन आफ्टर ही विल बी क्वालिफाइड टू गो फॉर द परफॉर्म द रियल आरती. ए वन इज प्रिपरेटरी वन इज प्रिपरेटरी या वन इज प्रिपरेटरी. तो इसके बाद जो है कि पहले हमने प्रिपरेशन किया मन में उस आरती को हमने योग्यता के हिसाब से हमने उसको मन में चिंतन किया उसके बाद जाके हम अर्जुन विग्रह के पास जाके आरती कर पाते and then he is offering different upacharas to take these different articles like arati and so. तो उसके बाद वो भगवान को अलग अलग उपचार जो है भगवान को अर्पण करते हैं. The last one at the fifth of the pachanga servers is svadhyaya means self study. तो उसके बाद जो पंचांग का जो आखिरी जो है वो है स्वाध्याय जो अपने लिए अध्ययन करना शास्त्रों का अध्ययन करना. So everyone can study scriptures and should study scriptures to understand how to do the murti seva, atithi seva, dham seva, tulsi seva and so many other services. तो इसके स्वाध्याय के माध्यम से हम जान सकते कैसे हैं विग्रह सेवा, अतिथि सेवा, धाम सेवा, तुलसी सेवा, तो विभिन्न सेवाएं कैसे कर सकते हैं. So first two of these five and the last one everyone can do and those who are more qualified they are doing the direct devotions, direct worship. जो पहले दो और आखिर का जो है कि ये हम समय से सब कर सकते हैं पर जो बीच का जो दो है वो जो योग्य है वही इसी को करना चाहिए कर सकते हैं. So this is the culture of Krishna consciousness. तो ये कृष्ण जो कृष्ण भावनामृत का जो असली कल्चर जो है जो असली जो विधि है जो रीति है यही है. In India we see that how in the city in the center of the city is always temple with the deity and the whole citizens are engaged in various ways to worship the deity. जो पहले भारत के जो शहर हैं वैसे देखा जाता है कि जो शहर के बीचों बीच एक मंदिर होता है चारों तरफ लोगों के घर होता है ताकि लोग भगवान के सेवा पूजा में नियोजित हो सके. So different people are contributing in different way. तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उनका जो योगदान है वो देते हैं. शूद्रस वैश्यस क्षत्रियस ब्राह्मणस. तो शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण सो बट एवरीवन इज एंगेज्ड अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर. तो इनमें से जो भी अपने अपने गुणवत्ता के गुण के हिसाब से इस सेवा में नियोजित होते हैं. इन द सेम वे हियर वी कैन पुट लॉर्ड कृष्ण एट द सेंटर एंड एवरीवन कैन बी एंगेज्ड. तो इधर भी ऐसे ही हम भगवान को अपने केंद्र बिंदु रख के हम अपने गुण के हिसाब से सेवा में नियोजित हो सकते हैं. And this culture in Gurukul we also follow. तस यही जो सेम कल्चर है जो गुण है जो सेम जो विधि है हम गुरुकुल में इसका पालन करते हैं. What would you like to hear about that? How their schedule and their schedule their practices now because they are very small and still they are very strict how their the conviction.
Because the step also is the main thing is the determination, there comes conviction. No, in beginning there is no conviction. The children are actually by their consciousness on the level of animals. तो जैसे प्रभु जी मैं कह रहा था, प्रभु जी का आप क्या जानना चाहते हैं गुरुकुल के बारे में, तो उनको बोला कि उनका दिनचर्या कैसा है, कैसे वो, क्योंकि काफी छोटे छोटे बच्चे हैं, चार पाँच साल के बच्चे हैं, वो दूसरे देश के रसिया यूरोप उधर से आके इधर रहते, कैसे वो उनके डिटर्मिनेशन और प्रभु जी लोगों में कन्विक्शन नहीं होता स्टार्टिंग में, पर जो स्टार्टिंग में जो बाल बच्चा होता है उसका जो चेतना है पशु के समान होता है. Because they cannot control their senses, they're just always thinking how to eat, sleep, and play. क्योंकि वो हमेशा अपने इंद्रियों को बस में नहीं करके वो सोचते हैं कैसे हम खाएं, सोएं.